नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। किसान आंदोलन का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा सुप्रीम फैसला। किसान आंदोलन को लेकर आज का दिन काफी अहम होने जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा आज। ऐसे में सरकार और किसान संगठन के बीच आगे का रास्ता क्या होगा, उससे साफ हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत एक कमेटी बना सकती है, जैसे कि सुनवाई के दौरान संकेत दिए गए थे। राहुल का सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, सरकार के सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ है, कृषि विरोधी कानून वापस लो बस। केंद्र ने फैसले से पहले कोर्ट में अपना हलफनामा दिया, जिसमें सफाई दी गई कि कानून बनने से पहले व्यापक स्तर पर चर्चा की गई थी। सरकार ने कहा कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो दो दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। हलफनामों में कहा गया कि देश के किसान खुश हैं, क्योंकि उन्हें अपने फसलों को बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इन कानूनों के जरिए छीना नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोमवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई। साथ ही जिस तरह से किसान आंदोलन को सरकार ने संभाला, उस पर नाराजगी व्यक्त की गई। ऐसे में अदालत ने कहा कि अब वो ही इसका निर्णय लेंगे, इसलिए बीते दिनों कमेटी के लिए नामों को मांगा गया। जब तक कमेटी कोई निर्णय नहीं देगी, कानून लागू होने पर रोक नहीं लगेगी। किसानों ने हालांकि किसी कमेटी के सामने पेश होने से इनकार किया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज हर किसी की नजर है।